नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजेश कुमार। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एट प्रोटेक में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि यस बैंक पिछले 10 साल में एक डार्लिंग स्टॉक बना हुआ है स्टॉक मार्केट का, और इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम इट्स बिकम ए टॉप 5 बैंक ऑफ द कंट्री। और अभी इसमें कुछ गिरावट आ रही है। क्यों गिरावट आ रही है, क्या इशूज़ है इस बैंक में, तो मैं इस पर आज एक वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं पहले आपको एक डिस्क्लोजर देता हूँ कि इस स्टॉक में मेरे पास या मेरे फैमिली मेम्बर की या मेरे रिसर्च टीम में से किसी के पास ये स्टॉक नहीं है। पिछले कुछ वीडियो के कमेंट में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यस बैंक के ऊपर वीडियो बनाइए, तो चलिए आज मैं हाजिर हूँ यस बैंक का एनालिसिस लेकर। आज मैं बहुत ही सिंपल टर्म में बताऊँगा कि यस बैंक में क्या इशूज़ चल रहा है, और ये यस बैंक में इन्वेस्ट करना सेफ है या नहीं है, शेयर को होल्ड करें या क्विट करें। चलिए पहले इसका देखते हैं हिस्ट्री ऑफ द यस बैंक। यस बैंक जो स्टार्ट हुई थी 1999 में, इसके प्रमोटर थे अशोक कपूर, राणा कपूर और हरकृत सिंह, और इनका एक पार्टनर था रोबो बैंक ऑफ नीदरलैंड एज ए पार्टनर थे। तो रोबो बैंक के पास 75% स्टैक था और इंडियन पार्टनर के पास 25%, और बाद में उसका जो एक पार्टनर है हरकृत सिंह, उन्होंने उसे क्विट कर लिया। उसके बाद 2004 में इसे बैंकिंग लाइसेंस मिल गया, और 2005 में यस बैंक ने IPO लाया 45 रुपीज़ पर शेयर में, जिस उस समय इसका फेस वैल्यू था 10 रुपीज़, जो कि बाद में स्प्लिट होकर के इसका अभी फेस वैल्यू है 2 रुपीज़ पर शेयर। और जो 2011 में जो मुंबई अटैक हुआ था, उसमें अशोक कपूर उसके शिकार हुए थे, उस टेररिस्ट अटैक के शिकार हुए और उनका डेथ हो गया। उसके बाद उनका जो शेयर होल्डिंग था वो दे दिया गया उनकी वाइफ मधु कपूर को, और उनके जो एक पार्टनर हैं राणा कपूर जो अभी CEO भी हैं, उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटियों के पास अपने प्राइवेट कंपनीज हैं, जिसमें से एक कंपनी है यस कैपिटल इंडिया, दूसरा है मॉर्गन क्रेडिट्स और तीसरा है मैक फिनवेस्ट। तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पर जो उनके फैमिली मेम्बर हैं उनके पास भी अपने कंपनीज हैं और उस कंपनियों के पास यस बैंक का शेयर होल्डिंग है। अगर इन तीनों कंपनियों को मिला दें तो इनका जो शेयर होल्डिंग है वो हो जाता है 7.99% ऑफ द शेयर है इनका यस बैंक का। तो यहाँ से एक स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इस फैमिली, जहाँ पर प्रमोटर्स के फैमिली के पास भी इसके शेयर होल्डिंग है, यहाँ से एक स्टार्ट होता है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ था। अब देखिए इसमें कंसर्न क्या है कि इनके पास जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, मॉर्गन क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, यस कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिनके पास कि मैंने पहले आपको बताया कि इनके पास यस बैंक का 7.99% स्टेक है, इन्होंने दो म्यूचुअल फंड से, रिलायंस म्यूचुअल फंड और फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड से उन्होंने लोन लिया। और लोन का कंडीशन क्या था कि इनके पास जितने स्टॉक्स हैं जो इन्होंने गारंटी पर रखा, यस बैंक का स्टॉक्स और गारंटी पर रखा, तो जितना स्टॉक्स है उसका जो टोटल वैल्यू होगा उसका 50% उनका लोन का एलिजिबिलिटी होगा। और कभी भी इनका जो लोन जो लेंगे, अगर उस पर लोन का इंटरेस्ट के साथ जो टोटल अमाउंट होगा अगर इसके एलिजिबिलिटी से अगर ज़्यादा होता है, तो उनको शेयर बेच करके या जैसे भी हो उन्हें उतने पैसे रिटर्न करने होंगे, पे करना होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक और कंडीशन था कि एवरी 6 मंथ पे इनको इंटरेस्ट पे करना है, और जो एक्चुअल प्रिंसिपल होगा वो बाद में 5 साल के बाद एक साथ उनको पे करना है। तो अब को समझाने के लिए, एक सिंपल टर्म में समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सपोज आपने इसी टर्म पे आपने एक पर्सनल लोन लिया और आपके पास यस बैंक के शेयर्स हैं। तो सपोज कीजिए कि आपके पास यस बैंक के 10,000 शेयर्स हैं, और जब आपने लोन लिया था उस समय यस बैंक का शेयर प्राइस था 400 रुपीज़, तो टोटल वर्थ आपका हो गया 10,000 शेयर्स इंटू 400, 40 लाख रुपीज़। तो आपका जो एलिजिबिलिटी होगा उसका 50% होगा, मतलब 20 लाख आपका एलिजिबिलिटी होगा लोन के लिए। और आपने सपोज किया कि आपने 15 लाख ही लोन लिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है, तो आपको क्या होगा कि जो फर्स्ट 6 मंथ में जो इसका इंटरेस्ट होगा वो हो जाएगा 1.12 लाख। तो एक लमसप मान के चलिए सपोज कीजिए आपको 1 लाख रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, तो आपको क्या होगा कि आपका टोटल ड्यू हो गया 16 लाख। अब 16 लाख हो गया, अभी आपका एलिजिबिलिटी है 20 लाख, तो बैंक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर शेयर प्राइस कम होता है तो आपका एलिजिबिलिटी कम हो जाता है, अगर एलिजिबिलिटी 16 लाख से कम हो जाता है तो आपको डिफरेंस अमाउंट को पे करना पड़ेगा। चलिए मैं आपको एक टेबल से समझाता हूँ कि सपोज जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके पास 10,000 शेयर है यस बैंक का और उसका करंट प्राइस है 400 रुपीज़, तो आपका टोटल वर्थ होता है 40 लाख, तो आपका एलिजिबिलिटी होगा 20 लाख, उसका 50%, 20 लाख एलिजिबिलिटी, और आपने 15 लाख रुपये लोन लिया है, तो लोन पे 1 लाख रुपये सपोज कीजिए कि आपको 6 मंथ में इंटरेस्ट आ गया, तो टोटल आपका ड्यू हो गया 16 लाख। अब क्या होगा कि 16 लाख जो आपका एलिजिबिलिटी से कम है, 20 लाख जो एलिजिबिलिटी उससे कम है, तो बैंक तो हैप्पी होगा, तो इसमें आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा।
लेकिन सपोज कीजिए कि इस बैंक का प्राइस जो आपके पास है उसका प्राइस 300 आ गया, तो अभी आपका एलिजिबिलिटी हो जाता है 15 लाख, और जो आपका टोटल लोन इंटरेस्ट है वो 16 लाख है। इस केस में क्या होगा कि जो आपका टोटल ड्यू 16 लाख है वो आपके एलिजिबिलिटी से बड़ा है, तो इस केस में आपको बैंक कहेगी कि आपका जो डिफरेंस अमाउंट है 1 लाख रुपये उसे पे कीजिए, तो उसे आपको पे करना होगा। अब सपोज कीजिए कि आपका शेयर प्राइस हो गया 200 रुपीज़, अब क्या होगा कि आपका एलिजिबिलिटी हो जाएगा 10 लाख, और सपोज आपका अप्रोक्स लोन इंटरेस्ट है 16 लाख, तो उसमें क्या होगा कि आपका डिफरेंस हो जाएगा 6 लाख का, क्योंकि आपका जो ड्यू अमाउंट है वो आपके एलिजिबिलिटी से 6 लाख ज़्यादा है, तो आपको 6 लाख रुपीज़ बैंक को पे करना होगा। और अगर शेयर प्राइस 100 रुपीज़ आ गया तो आपका एलिजिबिलिटी घट कर हो जाएगा 5 लाख, और आपका टोटल ड्यू और इंटरेस्ट अमाउंट जो है टोटल ड्यू होगा 16 लाख, तो आपका जो डिफरेंस हो गया यहाँ पर 11 लाख का, तो आपको 11 लाख पे करना होगा। इसी तरह से मॉडर्न क्रेडिट और यस कैपिटल जो उनका प्राइवेट कंपनी है उनकी डॉटर्स का, उन्होंने लोन लिया है और उन्होंने गारंटी दिया यस बैंक के शेयर को, तो अभी क्या है कि अगर यस बैंक का शेयर प्राइस अगर 100 रुपीज़ के आसपास आ जाता है तो क्या होगा कि इनका जो डिफरेंस अमाउंट है वो उन्हें पे करना होगा, और अगर वो ऐसा पे करने के लिए उन्हें यस बैंक का शेयर को सेल करना होगा, और जब अचानक से इतने सारे शेयर जब सेल होगा तो मार्केट में एक पैनिक क्रिएट होगा, क्योंकि एक जैसे ये ट्रिगर होता है, अगर 100 रुपीज़ आता है ये ट्रिगर होता है उनका स्टॉक उनका जो प्राइवेट कंपनी का शेयर से सेल होता है, तो एक पैनिक क्रिएट होगा और फिर शेयर नीचे कहाँ जाएगा आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। इसलिए देखा जाए जब ये न्यूज आया था तो ये प्राइवेट कंपनीज ने क्या किया कि 700 करोड़ म्यूचुअल फंड को पे कर दिया, लेकिन अभी भी उनके पास लगभग 1800 करोड़ अभी बाकी है। तो जब प्राइस अगर नीचे आता है तो उसको 1800 करोड़ पे करने के लिए उनको शेयर बेचना पड़ेगा और उसमें बहुत बड़ा फॉल आएगा, तो ये कई बहुत ही बड़ा डिस्टर्बिंग न्यूज होगा शेयर होल्डर्स के लिए भी, और वो जो दो म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इस कंडीशन पर लोन दिया है सबके लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज होगा और एक पैनिक क्रिएट हो सकता है। अब देखते हैं अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज क्या है। तो बहुत सारे जो न्यूज से रिपोर्ट निकल के बाहर आ रही है उसमें देखा जाए तो बहुत सारे रेड फ्लैग्स है। तो सबसे पहला न्यूज़ तो ये है कि RBI ने 2018 में राणा कपूर को रिजाइन करने के लिए कहा था, जो कि अभी CEO हैं, उन्हें रिजाइन करने को कहा और कहा कि यस बैंक को कि आप न्यू CEO को अपॉइंट कीजिए। हालांकि RBI ने कोई स्पेसिफिक रीजन तो नहीं बताया, लेकिन एनालिसिस जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इसके पीछे फॉल्ट को फाइंड आउट करना शुरू किया कि आखिर क्या प्रॉब्लम है CEO राणा कपूर के खिलाफ। कुछ रिपोर्ट ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं कि RBI ऑडिट में NPA को कम करके दिखाया गया है, और ये हो सकता है कि पिछले 2 साल में लगभग 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा NPA हो सकता है। तो ऐसा कुछ रिपोर्ट निकल के आ रहा है। अगर ये सही हुआ तो नेक्स्ट CEO का काम होगा क्लीनअप करने का, और यस बैंक का जो नेक्स्ट क्वार्टर में जो हैवी लॉस दिखाना पड़ेगा, तो जैसा कि हम लोग PNB में और दूसरे बैंकों में देख चुके हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है जब नए CEO आएंगे। तो एक दूसरा रिपोर्ट है कि RBI जाँच कर रही है कि यस बैंक का कोई एक्सपोजर IL&F और दीवान हाउसिंग या फिर इंडिया बुल्स के जो ग्रुप कंपनी है NFC कंपनी है इसमें इनका कितना एक्सपोजर है। और ऐसा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लास्ट थर्सडे को RBI ने यस बैंक से डिटेल एक्सपोजर स्टेटमेंट की मांग की है। हालांकि पूरा डिटेल तो नहीं है, लेकिन क्या सही है या क्या गलत है ये तो RBI का जो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा, जब उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा तभी पता चलेगा। एक और न्यूज ये है कि जो यस बैंक के कई इंपॉर्टेंट लोग हैं जो रिसेंटली रिजाइन कर चुके हैं, इंक्लूडिंग इसका जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अशोक चावला वो रिजाइन कर चुके हैं, और 3 अदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंक्लूडिंग आर चंद्रशेखरन भी रिजाइन कर चुके हैं, तो ये भी एक ट्रिगर है। और दूसरा ये है कि जो बहुत सारे रेटिंग एजेंसियां हैं केयर है जो कि इनका रेटिंग को डाउनग्रेड किया है, मूडी का जो आम से एकरा उसने भी सिमिलर एक्शन लिया, उन्होंने भी यस बैंक का रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। अनदर इशू ये है कि फाउंडर पार्टनर जो अशोक कपूर के डेथ के बाद जो मधुर कपूर हैं जो कि उनके वाइफ हैं लेट अशोक कुमार के वाइफ हैं उनके साथ बैंकिंग कंट्रोल को लेकर के काफ़ी फाइट चल रहा है दूसरे प्रमोटर्स के साथ, और ये बहुत दिनों से चल रहा है। हालांकि इस इशू से वर्किंग में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बैंक का वर्किंग कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है बैंक का जो CEO है MD है इसके इमेज पे जरूर पड़ेगा, उनका इमेज इससे ख़राब होगा, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एक बात मैं और बता दूं कि जो इसके प्रमोटर्स हैं वो पिछले कई दिनों में लगभग 140 एनालिस्ट से मिल चुके हैं, और उन्हें ये बोल रहे हैं कि आप हमारा शेयर का रेटिंग बढ़ाओ ताकि जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें, लेकिन बहुत सारे एनालिस्ट ने मना कर दिया रेटिंग बढ़ाने से। तो इस तरह से कुछ कुछ कर रहे हैं जो कि
अच्छा नहीं है। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? जल्दी मैं बैंकिंग स्टॉक से दूर ही रहता हूँ। हालांकि मैं रिसेंटली IDFC बैंक का स्टॉक खरीदना स्टार्ट किया हूँ, वो भी मर्जर न्यूज़ के बाद, जो कैपिटल फर्स्ट उनका मर्जर हो रहा है और मुझे कैपिटल फर्स्ट का जो मैनेजमेंट है उस पर थोड़ा भरोसा ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने खरीद रहा हूँ। लेकिन जल्दी मैं बैंकिंग स्टॉक से दूर ही रहता हूँ। होता है क्या है कि बैंकिंग जो होते हैं लोग देखते हैं उसका ग्रोथ देखते हैं कि कितना लोन दे रहे हैं। लोन देना तो ईजी है, लोन कॉर्पोरेट को लोन देना ईजी है, बाद में रिकवरी करने का जब टाइम आता है तब पता चलता है कि उनका NPA बढ़ रहा है और वो NPA को सही सही से दिखाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं बैंकिंग से दूर रहता हूँ। हाँ, कुछ बैंक अच्छे हैं जिनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, तो ठीक है। जैसा कि आप, अगर आप किसी वेल मैनेज बैंक को देखें, HDFC, कोटक महिंद्रा, तो मैं इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आप काफ़ी पैसा भी बना सकते हैं। लेकिन दूसरे बैंकों में आपको लॉस भी हो सकता है, क्योंकि जब वो लोन बांट रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं, बाद में NPA आएगा जब लोन रिकवरी नहीं होगा तो बाद में NPA भी बढ़ेगा। तो ये सब देखते हुए मैं बैंकिंग स्टॉक से दूर ही रहता हूँ। एज अ शेयर होल्डर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द व्हाट इज़ द हेल्थ ऑफ द बैंक, और जो प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है उस पर पूरा क्लियर पिक्चर नहीं मिलता है, और बहुत सारे NPAs बहुत सारे रूल के कारण नहीं दिख पाता है, और इससे इसका पता बाद में चलता है कि कितना NPA बढ़ा है। जिस कंपनी में सीरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू हो उसमें मैं इन्वेस्ट करना ठीक नहीं समझता हूँ, और ऐसा केसेस में जो बुक वैल्यू या EPS दिखाया जाता है उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। ये मत सोचिए कि अभी इसका स्टॉक चीप प्राइस में मिल रहा है कंपेयर टू अदर बैंक तो ये अच्छा है, क्योंकि जब मैनेजमेंट क्लीन ना हो तो जो EPS दिखा रहा है, बुक वैल्यू दिखा रहा है, उस पर आप कितना बिलीव कर सकते हैं? कोई भी कितना बिलीव करेगा अगर मैनेजमेंट ही क्लीन नहीं हो तो। और उनका जो प्राइवेट कंपनियाँ हैं, यस कैपिटल, मुर्गन प्राइवेट लिमिटेड, उसका लोन का क्या होगा, कैसे वो इसको आगे डील करेंगे? अगर इसका शेयर प्राइस 100 रुपीज़ तक करीब आता है तो लोग फोर्स करेंगे कि आप यस बैंक का जो शेयर है उसको बेचिए और अपना लोन चुकाइए। जो म्यूचुअल फंड कंपनी लोन दी है वो तो फोर्स करेंगे कि आप इसका शेयर बेचिए और आप लोन को चुकाइए, तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, ये पता नहीं क्या होगा। मेरे पास येस बैंक का कोई भी शेयर नहीं है और ये प्रिडिक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि इसका शेयर प्राइस का मूवमेंट क्या होगा। और ये फ्यूचर सेगमेंट में या फ्यूचर ऑप्शन में भी है, तो इसमें क्या होता है कि जो बहुत सारे इन्वेस्टर का इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है ट्रेडिंग के लिए, TV एनालिस्ट होते हैं उनका भी इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है डे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन में होता है, तो ये कभी भी किधर भी मूव कर सकता है। 50 रुपीज़ ऊपर भी जा सकता है, 50 रुपीज़ नीचे भी आ सकता है, और कहते क्या है कि अगर 50 रुपीज़ पर क्या कोई पॉजिटिव न्यूज आया तो वहाँ पर ये लोग शॉर्ट कवरिंग करते हैं, और कोई नेगेटिव न्यूज आया तो फ्रेश शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। तो जब तक इनका जो CEO है राणा कपूर, ये जब 31 जनवरी को इनको हटाया जाएगा, उनका नए CEO आएंगे, तो फिर उसका देखना होगा कि नए CEO आने के बाद जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आता है, रिपोर्ट आता है, उसमें क्या दिखाते हैं, कितना NPA दिखाते हैं, तब पता चलेगा कि आखिर RBI ने इनको CEO से क्यों हटने के लिए कहा गया था। तो वो उसके बाद पता चलेगा, उसके बाद ही मैं सोचूंगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है या नहीं है, मैनेजमेंट कैसा है, क्या प्रॉब्लम था। सो मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने रिसर्च करने के बाद ही इसमें ट्रेड लीजिए अगर आपको ट्रेड लेना है तो अगर ट्रेड लेना भी है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा, क्योंकि अभी लोग इसको ट्रेडिंग कर रहे हैं, ऊपर नीचे काफ़ी हो सकता है, बहुत वोलेटाइल रहेगा इसमें। तो मुझे वही लगता है कि अगर इसका क्लीन मैनेजमेंट क्लीन नहीं है तो मैं तो इस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करूँगा, मैं इस पर कोई ट्रेड नहीं करूँगा। तो बाकी आप डिसीजन लीजिए, मैंने जो न्यूज मैंने पढ़ा है या जो मैंने रिपोर्ट पढ़ा है उसके हिसाब से मैंने एनालिसिस बता दिया है, अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें क्या कहना है। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।